नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्राफ्ट क्लासेस झांसी में। मेरा नाम है जय चतुर्वेदी और आज आपकी सर्किट की थर्ड क्लास होने वाली है। इससे पहली क्लास में जितनी हमने सर्किट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वो प्रॉपर्टीज़ हो गई। आज हम सर्किट का जो थर्ड वीडियो आपका है इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम टेंजेंट की बात करने वाले हैं। सर्किल पर कितने प्रकार की टेंजेंट्स हम डाल सकते हैं, कॉमन टेंजेंट जिनको हम बोलते हैं। आपके दो सर्कल होंगे या उससे भी अधिक, दो या दो से अधिक सर्कल होंगे जिस पे आपकी कॉमन टेंजेंट रहेगी, उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपकी सर्कल की थर्ड वीडियो है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमन टेंजेंट। हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट बेसिकली इसको क्या बोलेंगे हम, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आपकी जो सर्किल में है कई प्रकार से हो सकती हैं, यानी कि दो वृत्तों के ऊपर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। दो वृत्तों के बीच, देखिए हेडिंग डालेंगे आप, दो वृत्तों के बीच, दो वृत्तों के बीच उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब दो वृत्तों के बीच उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं किस प्रकार से हो सकती हैं, इन्हें भी हम डिटेल में समझने हैं। सबसे पहले क्या होता है आपकी, वो होती है आपकी चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं यानी कि आपकी फोर, पहला पॉइंट देखेंगे आप, फोर कॉमन टेंजेंट, फोर कॉमन टेंजेंट्स यानी कि आपकी चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आपकी इस तरीके से होंगी, जैसे दो सर्किल हो गए आपके, ये हो गए आपके क्या, दो सर्किल हो गए, एक सर्किल मैंने इधर बना दिया, ये बात समझ में आ गई। ये हो गए आपके दो आपके सर्किल हो गए, इनमें आपकी क्या रहेंगी, इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना सर्किल्स की काफ़ी दूर रहने वाली है, ठीक है। अब इस पर स्पर्श रेखाएं किस तरीके से होंगी, पहली स्पर्श रेखा तो ये हो जाएगी, यानी कि जो कि दोनों वृत्तों को ऊपर से टच करती हुई जा रही है, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई कॉमन टेंजेंट। दूसरी कॉमन टेंजेंट क्या होती है, वो इस तरीके से जाएगी नीचे से, इधर से टच करती हुई जाएगी, एक कॉमन टेंजेंट आपकी हो गई, कितनी है? अब दो हमारी हो गई, दो आपकी और चाहिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो एक क्या होगी, एक इस तरीके से जाएगी, ये भी होगी ना आपकी एक कॉमन टेंजेंट, और एक कॉमन टेंजेंट आपकी इधर से हो जाएगी, इधर से ये वाली एक कॉमन टेंजेंट आपकी ये हो गई, ठीक है। अब कितनी होगी आपकी, चार कॉमन टेंजेंट, समझ में आ गई। दो आपकी स्पर्श रेखाएं क्या होगी, दो स्पर्श रेखाएं आपकी सर्किल्स के ऊपर और नीचे से जाएंगी, और दो स्पर्श रेखाएं इनको तिरछा कट करेंगी, तो टोटल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, टोटल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई चार। अब देखेंगे इसमें, इसमें जो आपकी इस तरीके की है ना, जो कि ऊपर से यानी कि ऊपर से टच करती हुई जा रही हैं, ऊपर से एवं नीचे से, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये जो दोनों होंगी इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, ये हैं आपकी क्या, डायरेक्ट
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं, हिंदी में लिख देंगे आप क्या, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे DCT, DCT, इतनी बात समझ में आ गई। और जो आपकी तिरछी वाली रेखाएं हैं, यानी कि इस तरीके की जो आपकी लाइन है ए वाली, ये ग्रीन वाली, इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इन्हें आप लिखेंगे उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं, यह है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं, और यह है आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इन्हें बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखाएं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आपकी चार स्पर्श रेखाएं आपकी बनेगी कब, ये आपकी जो चार स्पर्श रेखाएं हैं जो आपकी दो सर्कल से होकर बन रही हैं, ये आपकी कब बनेगी, जब आपकी कंडीशन क्या होगा, देखिए इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर ए है, इसे हमने बोल दिया C2, इसको बोल दिया हमने C1, इसकी रेडियस क्या हो गई R1 और इसकी रेडियस मान ली मैंने R2, दोनों की रेडियस क्या है R1 R2, दोनों की आपके अलग अलग रेडियस के हैं। अब आप देखेंगे कि R1 R2 और इनके बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस जब देखेंगे आप इस तरीके से ए वाली, तो देखिए इसको जब मिलाएंगे आपस में तो इसकी भी कुछ लेंथ होगी, तो जो R1 R2 है ना, R1 R2 क्या रेडियस है, ए तो हो गई R1, ए भी तो रेडियस है इसकी, ए हो गई R2, यानी कि R1 R2 का जो सम होगा वो C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस है उससे क्या होगा, कम होगा, यानी कि C1 C2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी R1 प्लस R2 से अधिक होगी, C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी R1 प्लस R2 से अधिक होगी, ये क्या है, ये कंडीशन है, तभी आपका ये सब जो मैंने बताया तभी होगा, यानी कि किसी भी जब भी किन्हीं दो सर्किल पर, दो वृत्तों पर चार स्पर्श रेखाएं तभी खींची जा सकती हैं जब कंडीशन क्या हो आपकी, दोनों केंद्रों के, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के सम के क्या हो, कम हो, सम से ज्यादा हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक क्या होंगे आपकी दो, चार स्पर्श रेखाएं बनेगी दो सर्कल्स पर, ठीक है, चार हो गए, अब क्या है, अब होंगे आपकी तीन स्पर्श रेखाएं, क्या नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 3 कॉमन टेंजेंट, 3 कॉमन टेंजेंट। अब 3 कॉमन टेंजेंट कैसे बनेगी, 3 कॉमन टेंजेंट आपकी तब बनेगी जब दो सर्किल क्या कर रहे हो, एक दूसरे को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, कैसे, एक सर्किल हमने ये मान लिया, एक सर्किल आपका ये हो गया, दूसरा सर्किल ये हो गया, और ये क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हो, ठीक है, एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, इसका सेंटर मान लिया मैंने C1 और इसका मान लिया मैंने C2। अब इस पे आपकी कितनी, 3 कॉमन टेंजेंट निकलेंगी, कैसे, दो तो आपकी सेम रहेंगी इस तरीके से, इन्हें हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो बनेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो बनेगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक बनेगी इनकी कॉमन टेंजेंट, वो इस तरीके से बनेगी ये वाली, ये इनकी क्या बीच से टच करते हुए निकलेगी, यही तो बनेगी, इसके अलावा और कोई बनेगी क्या टेंजेंट, इसके अलावा इसमें ट्रांसफर तो बन नहीं सकती है कि ट्रांसफर इधर से इधर जाएगी, दोनों क्या करें स्पर्श कर रहे हैं, तो एक तो क्या होगी, दो इसकी DCT बनेगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक बनेगी क्या कॉमन टेंजेंट की जो इनकी बीच से कट के जा रही हो, क्या बोलती है ना, ये होती है आपकी क्या टेंजेंट है ये सारी टेंजेंट, और ए वाली कंडीशन यानी कि आपकी तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कब बन रही हैं, जब आप देखेंगे कि यदि इसकी रेडियस मैंने R1 मान ली
यदि इसकी आर वन मान ली और इसकी मैंने क्या मान ली, आर टू मान ली, आर वन आर टू। अब आप क्या कीजिए, इनको भी मिला दीजिए आपस में इस तरीके से, देखिए जब इनको आप मिला देंगे दोनों के क्या सेंटर को, जब दोनों के सेंटर को आप मिला देंगे तो आप देखेंगे जो ए वाली डिस्टेंस है, इसको देखिए, इसको इसको देखिए, इसको ये क्या है, ए भी तो इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, इस साइड से देखेंगे तो ए वाली इसकी रेडियस हो गई। तो यानी ए भी आर वन और आर टू है, ए भी तो आर वन ही और आर टू है, तो यानी इसका मान भी क्या होगी, आर वन और आर टू, ये भी तो क्या दोनों टेंजेंट ही तो है, तो सी वन सी टू की वैल्यू क्या होगी, आर वन प्लस आर टू के इक्वल होगी। सी वन सी टू यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, आर वन प्लस आर टू के इक्वल होगी। ये क्या है इसकी कंडीशन, यानी कि तीन आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनेंगी कब, जब दो वृत्तों में उनके केंद्रों के बीच की दूरी दोनों केंद्रों की त्रिज्याओं के सम के इक्वल होगी, या दोनों सम जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे दोनों एक ही परिधि पर, तो क्या करेंगे दोनों केंद्रों के बीच की दूरी और क्या होगा दोनों रेडियस के सम के बीच की दूरी, ये बनेंगे आपकी क्या, थ्री कॉमन टेंजेंट, तीन स्पर्श रेखाएं। कंडीशन जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, इसमें ए वाली। अब देखेंगे क्या, अब होंगे आपकी टू कॉमन टेंजेंट्स, दो स्पर्श रेखाएं, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, टू कॉमन टेंजेंट, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। अब दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं किसी दो सर्कल में कब बनेंगे बताइए, देखिए एक सर्किल मैंने ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, आप पता है इनको हम क्या कर देंगे, इस तरीके से इनको कर देंगे डिवाइड। जब इस तरीके से दो आपके सर्किल होंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, दोनों सर्किल एक दूसरे से कट कर रहे होंगे, उनकी परिधि एक की परिधि दूसरे की परिधि को बीच में से कट कर रही होगी, तो आपकी कितनी, सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी, सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी, जो कि क्या होंगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, क्योंकि उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट की बात चलेगी ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि कितनी, सिर्फ और सिर्फ दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं ही बनने वाली हैं, कितनी, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। इसका सेंटर मान लिया मैंने क्या, सी वन, इसका सेंटर हो गया सी टू। अब देखिए इस पे क्या दो कॉमन टेंजेंट बन रही है, ये क्या है आपकी टेंजेंट ही तो है, यानी कि स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, तो आपकी दो स्पर्श रेखाएं कब बनेंगी, दो स्पर्श रेखाएं कब बनेंगी, आप वैसे बोलचाल में तो बोल सकते हैं कि जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो ये तो हो गई आपकी बोलने चलने वाली बात। देखिए यदि मैथमेटिकली इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, देखिए यदि इसकी क्या, इसकी रेडियस, जैसे इसकी रेडियस मैंने मान ली क्या होगी, आर वन, इसकी रेडियस आर वन और इसकी रेडियस हो गई आर टू, इसकी रेडियस आर वन और इसकी रेडियस आर टू। जब आप क्या करेंगे, इन दोनों की रेडियस को मिला देंगे, इन दोनों के सेंटर को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो आप देखेंगे जो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू होगी ना, जो आर वन प्लस आर टू को सम करेंगे वो आपकी सी वन सी टू से, सी वन सी टू से ज़्यादा होगी, क्योंकि अब ये दोनों वृत्त, ये जब दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हो, इधर देखिए, जब ये दोनों, ये देखिए जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहली कंडीशन में क्या था, जब दोनों एक दूसरे से दूर थे तो क्या था, आर वन प्लस आर टू की वैल्यू इससे कम थी, अब यहाँ पे क्या होगा, वृत्त थोड़ा पास में आ गया, एक दूसरे को टच कर लिया, तो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू क्या होगी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगी। अब ये क्या होगा, एक सर्कल एक के अंदर घुस गया, तो इनकी जो आर वन प्लस आर टू है उसकी वैल्यू क्या होगी, सी वन प्लस सी वन सी टू से ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, यानी कि आपकी कंडीशन क्या बनेगी, सी वन सी टू की वैल्यू क्या होगी, आर वन प्लस आर टू से ज़्यादा होगी, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू की वैल्यू सी वन सी टू से ज़्यादा होगी, समझ में आ गई। या तो आप ये बोल सकते हैं, या दूसरी कंडीशन आप देखेंगे कि जब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होगी, या तो आप जब आर टू माइनस आर वन या आर वन माइनस आर टू करेंगे, इन दोनों का क्या डिफरेंस निकालेंगे, तो वो क्या होगा, इससे कम होगा, क्योंकि दोनों सेंटर के बीच की दूरी इससे तो ज़्यादा होगी ना, इनके डिफरेंस से सम से कम हो रही है, लेकिन डिफरेंस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो या तो क्या हो, आर वन प्लस आर टू सी वन सी टू से ज़्यादा हो, या आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू क्या हो, सी वन सी टू से कम हो। इसके आगे लगा देंगे हम मॉड, क्यों लगा दिया मॉड, मॉड का अर्थ होता है कि कोई भी वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव ही दी जाएगी,
क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। डिस्टेंस आपकी कभी नेगेटिव होती है क्या? डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी कि इनके बीच की वैल्यू जो होगी हमेशा पॉजिटिव ही दी जाएगी। इसलिए मैंने क्या कर दिया, मोड लगा दिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको आर वन माइनस आर टू ही करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों के डिफरेंस यदि माइनस में आ रहा है तो मोड से निकल के वो बाहर आ जाएगा। यानी कि किसी भी दो वृत्तों पर, किन्हीं भी दो वृत्तों पर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। कब? जब उनके केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की रेडियस यानी कि त्रिज्याओं के सम से क्या हो, कम हो और उनके अंतर से ज्यादा हो। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइए, आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइए, आगे बढ़े जल्दी से। चलिए अब क्या है, हमने कितनी देख रही, 4 कॉमन टेंजेंट, 3 कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट, अब देखेंगे हम 1 कॉमन टेंजेंट। वन कॉमन वन कॉमन टेंजेंट यानी कि एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कब बनेगी आपकी, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कब बनेगी, इसकी तो सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी। देखिए दो यदि दो व्रत हैं, यदि दो व्रत एक दो व्रत अलग अलग हैं तो उनकी स्पर्श रेखा हमेशा दो से कम बनेगी नहीं। तो अब एक स्पर्श रेखा आपको बनानी तो क्या होगी, एक व्रत दूसरे के अंदर होगा यानी कि एक ही व्रत होगा और दोनों की स्पर्श रेखाएं क्या होगी, तभी एक हो सकती हैं। कैसे? जैसे एक व्रत आपका हो गया इस तरीके से, एक सर्किल आपका ये हो गया, तो मान लिया हमने, ठीक है ये हो गया आपका पहला सर्किल। फिर क्या कर दिया, दूसरा सर्किल जो हमने लिया उसको क्या कर दिया, ये हो गया इसके अंदर इस तरीके से। देखिए दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कलर से कर देंगे। देखिए अब ये हो गया आपके दो, क्या हो गए, दो आपके सर्किल हो गए। लेकिन क्या कर रहे हैं, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्किल बना देंगे तभी इनमें क्या होगी, एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगी। ये वाली इधर से जो लाइन जाएगी इस तरीके, इसको कर लो इधर, देखिए एक कॉमन टेंजेंट हो गई। अब इसके अलावा क्या और कोई कॉमन टेंजेंट बन सकती है इसमें, ये तो अब बनाएंगे तो क्या इसकी स्पर्श रेखा अलग होगी, इसकी स्पर्श रेखा अलग होगी। यानी कि सिर्फ जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर होगा तो सिर्फ और सिर्फ कितनी, एक कॉमन टेंजेंट ही आपकी बनेगी। सिर्फ और सिर्फ कितनी, एक कॉमन टेंजेंट ही बनेगी। इसका सेंटर मैंने मान लिया क्या C1, और इसका एक बड़े वाले वृत्त का है इसका मान लिया मैंने C2। इसका सेंटर हो गया C1, इसका मान लिया मैंने C2। फिर C1 वाले सर्किल की आपकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस होगी आपकी क्या R2। कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, देखिए C1 C2 की बीच की दूरी निकालेंगे, जब भी आप इनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे तो वो क्या होगी, C1 C2 के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों रेडियस के डिफरेंस होगा, इन दोनों रेडियस का डिफरेंस ही तो होगा। क्यों? देखिए यदि हम बता दें ए हो गई इसकी रेडियस, ए इसकी रेडियस हो गई, ए इसकी रेडियस हो गई किसकी, C1 वाले सेंटर की। फिर क्या हुआ, मैंने एक इसकी रेडियस निकाली इधर से ही, ये हो गई इनकी बीच की दूरी। तब इन दोनों के बीच की दूरी हमें जब निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप कैसे देख सकते हैं, इधर से इसको मिला दीजिए, ये हो गई R1, इसी के ऊपर R2 हो जाएगी, ये R1 हो गई, ये टोटल हो गई आपकी पूरी R2, R2 माइनस R1 कर देंगे तो क्या होगी, बीच की डिस्टेंस आपकी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। देखिए ज़्यादा हो गया, अब आप समझेंगे मैंने क्या बताया। कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, जो आपकी C1 C2 के बीच की दूरी होगी, C1 C2 के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, R1 माइनस R2, ये R2 माइनस R1 का क्या डिफरेंस होगी, यानी कि इनके डिफरेंस की इक्वल ही तो होगा, इनके डिफरेंस के बराबर ही तो कर दो, होगा कि नहीं होगा। क्या बताया मैंने, दो वृत्तों में एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। कब? जब उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के बीच की दूरी के अंतर के बराबर हो, तब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक कॉमन टेंजेंट ही बनेगी। ये हो गई आपकी क्या टेंजेंट। टेंजेंट सारी समझ में आ गई तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, फटाफट थम्स अप कर दीजिए और कहिए तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए अभी हमने क्या पढ़ दी, अभी हमने पढ़ दी कॉमन टेंजेंट्स यानी कि स्पर्श रेखाएं, हमने पढ़ दी कि स्पर्श रेखाएं एक्चुअल में होती क्या हैं। अब स्पर्श रेखाएं पढ़ने के बाद कि हमने देख लिया कि हमारी कब चार स्पर्श रेखाएं होंगी,
कब हमारी तीन स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, कब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और कब आपकी एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आप उसको देखेंगे। हालांकि इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि फॉर्मूला एक्चुअल में बनता कैसे। आपको पता तो होना चाहिए कि जिसकी हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में वो निकलता कैसे है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, हमने क्या किया, दो सर्किल दे दिए, दो सर्किल हो गए आपके इस तरीके से, ये हो गया दो क्या सर्कल। अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने निकाल दी, पहले पहले बात करने वाले हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि डीसीटी। सबसे पहले निकालने वाले हैं हम डीसीटी। डीसीटी क्या होती है आपकी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसी भी दो सर्कल में क्या होती है, दो होती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी होती है, दो होती है कि नहीं होती है, ये हो गई इसकी क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। देखिए इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या है आपकी, ये है आपकी टेंजेंट, ये है आपकी क्या टेंजेंट। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब आगे क्या है इसमें, देखिए इसका सेंटर बहुत गया मैंने मान लिया C1 और इसका हो गया आपका C2, इसका सेंटर हो गया C2। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों की आपस में मिला दिया C1 C2। इन दोनों को क्या किया, आपस में मिला दिया। देखिए क्या अलग कर दें, ये क्या है, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी है क्या C1 एंड C2। फिर हमने क्या किया, इनकी जो रेडियस है उसको भी देख दिया। रेडियस देखिए, मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्पर्श रेखा से, किसी भी स्पर्श रेखा पर, किसी भी वृत्त के केंद्र से खींची गई डिस्टेंस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, बताया था मैंने। यानी कि किसी भी वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर खींची गई लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इधर से हम क्या करेंगे, इधर से मैंने इसको मिला दिया, फिर सेम मैंने इस साइड भी कर दिया, तो मैंने इससे मिला दिया, ये क्या हो गई, ये हो गई इनकी रेडियस, इनकी रेडियस होगी, इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मान दिया मैंने R1 और इसको मान दिया मैंने R2। अब देखिए R1 R2 क्या हो गई, रेडियस हो गई, और C1 C2 क्या हो गई, इनके केंद्रों के बीच की दूरी। इतनी बात समझ में आ रही हो तो बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो C1 C2 है ना, देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा फॉर्मूला कैसे बना। देखिए अब हम क्या करेंगे, C1 C2 के पैरेलल, ये तो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इससे तो हम अभी मतलब नहीं, अभी हम क्या करेंगे, C1 C2 है इसके पैरेलल हम क्या करेंगे, एक ये लाइन निकालेंगे इधर से, ये क्या है, ये मान लिया मैंने C1 C2 के पैरेलल, C1 C2 के पैरेलल, इसको पॉइंट मैंने नाम दे दिया N, इसको पॉइंट दे दिया मैंने M, और इसको पॉइंट जहां पे टच करी इसको मैंने दे दिया P। अब देखिए यहां पे M C1 C2 और N आपका क्या होगा, एक आपका क्वाड्रिलेटर बन गया, एक आपका क्वाड्रिलेटर बन गया, और मैंने क्या बताया, इन दोनों को क्या किया मैंने, इन दोनों के समांतर खींचा है, तो यानी कि आपके C1 C2 MN के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैंने वो निकाला है, वही तो मैंने किया है यहाँ पे। अब आपका क्या हो गया, C1 C2 MN की पैरेलल हो गई, पहला पॉइंट ए,
उसके बाद आपका जो रेडियस मैंने मानी वो क्या है, एम सी वन आर वन और पी सी टू, कितना है आपका आर टू। अब देखिए आगे देखेंगे, आगे इसमें क्या कह रहा है वो, यदि सी वन सी टू जो है ना, सी वन सी टू का यदि पूरा पूरा हमें लिखना पड़ता है, सी वन सी टू को हमने क्या मान लिया, इसको हम सीधा डी देखेंगे, क्या देखेंगे डी, क्योंकि हमें बेसिकली क्या है इनकी डिफरेंस देखेंगे तो हम क्या देख लेंगे डी देख लेंगे। अब आप देखेंगे कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इस पर रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप देखेंगे ट्राइंगल एम एन पी, ट्राइंगल एम एन पी क्या राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ट्राइंगल एम एन पी राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ए वाला 90 है तो ए आपका हो जाएगा क्या, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, या इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोल दीजिए, और एम एन आपका क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो यानी कि इन ट्राइंगल किसमें, एम एन पी में, एम एन पी में हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जब इसे पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे तो क्या होगा, एम एन स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एम एन स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एम एन इसका क्या हाइपोटेनियस है, कर्ण है, इसका क्या होगा इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, सम के बराबर होगा, यानी कि पी एन स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, पी एन स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद एम एन स्क्वायर क्या है आपका, एम एन आपका सी वन सी टू के बराबर है, सी वन सी टू के पैरेलल है, तो एम एन को हम सी वन सी टू लिख देंगे या क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया सी वन सी टू को डी मान दिया, तो यानी कि डी स्क्वायर बराबर, देखिए पी एन लिखना है आपको, पी एन की वैल्यू, पी एन क्या है आपका ये है पी एन, क्या पी एन को हम यहाँ पे देखिए पी एन को क्या हम लिख सकते हैं कि पी सी टू माइनस एन सी टू, ये देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, पी एन को पी सी टू माइनस एन सी टू देख सकते हैं, यानी कि जो आपकी पी एन पूरी डिस्टेंस है, पी एन ए वाली, इसको हम क्या करें पूरी डिस्टेंस में से इस वाले डिस्टेंस को घटा देंगे, समझ में आ रहा है ना मैं क्या करूं, यानी कि जो आपकी पी एन आपको निकाल देंगे, तो आप क्या करेंगे पी सी टू पूरी बड़ी वाली डिस्टेंस में से इस वाली डिस्टेंस को निकाल देंगे, तो पी एन की वैल्यू आ गई आपकी, यानी कि पी एन बराबर क्या लिख देंगे, पी एन बराबर लिख देंगे पी सी टू माइनस एन सी टू, पी सी टू में से आप एन सी टू घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका पी एन आ गया, और एम पी की वैल्यू तो आपको चाहिए, क्योंकि एम पी क्या है यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि उभयनिष्ठ रेखा, इसी की लेंथ आपको निकाल दी है। अब पी सी टू देखिए, पी सी टू क्या है आपकी आर टू, पी सी टू आपकी आर टू है कि नहीं है, पी सी टू हो गई आपकी आर टू, फिर एन सी टू क्या है, एन सी टू इसके पैरेलल हो जाएगी, ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज, तो ए क्या आर वन के बराबर हो जाएगी ये वाली की नहीं हो जाएगी, पूरी आर टू है पूरी रेडियस, अब इतनी बारी में से इस वाली घटा दिया तो ए इसके पैरेलल इसको जा रही है समांतर, तो इस ए वाली आपकी जो एन सी टू है आपकी आर वन के बराबर हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी इसके बराबर, ये हो जाएगी आपकी आर वन प्लस एम पी स्क्वायर। अब यहां से आप निकालेंगे, देखिए इधर से देखेंगे, अब हमें क्या एम पी यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की चाहिए, एम पी स्क्वायर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बीच की दूरी क्या होगी, एम पी स्क्वायर बराबर लिखेंगे आप, ये क्या है डी वन, डी क्या है सी वन सी टू केंद्रों के बीच की दूरी, इसको यदि हम लिखेंगे सी वन सी टू स्क्वायर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस क्या होगा इसको मार्क कर देंगे, यानी कि माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गई आपकी एम पी की वैल्यू, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एम पी बराबर सी वन सी टू का होल स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसका क्या अंडर रूट, आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसी को याद रख सकते हैं, मैंने क्या किया इसी पे क्या कर दिया स्क्वायर रूट निकाल दिया, ये हो गया आपका टोटल फॉर्मूला। पहला कर दे दो जैसे कि आपको समझ आपका क्या यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपकी क्या आ गई सी वन सी टू स्क्वायर माइनस
आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो पूछिए फटाफट, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। और सब कुछ समझ में आ रहा हो तो क्लास को फटाफट से लाइक कीजिए और क्लास को शेयर करते जाइए जल्दी से। अब आगे चलें, ये हो गई क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब देखेंगे हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये हो गई डी सी टी। अब हम देखेंगे टी सी टी। टी सी टी यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या होगा, सेम सिचुएशन होगी, दो आपकी सर्किल हो गए, ये दो हो गए क्या आपके सर्किल, समझ में आ गई। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, तिरछी वाली, इस तरीके से, होंगी ना आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गई और दूसरी आपकी क्या रहेगी, इस साइड से बनेगी, हो गई आपकी ए। अब देखिएगा इसका केंद्र हो गया सी वन और इसका केंद्र हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें क्या करेंगे हम, कोई सी भी लाइन ले लो, या तो दोनों कॉमन टेंजेंट हो गई। अब हम क्या कर देंगे आपको समझने के लिए, इस वाली लाइन को हम क्या कर देंगे, बिगाड़ देंगे, क्योंकि कॉमन टेंजेंट एक आ जाएगी उसकी वैल्यू आप निकाल देंगे डायरेक्टली। अब देखिए इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस हम इधर निकाल देंगे क्योंकि करना तो बाद में वही है। ये हो गई रेडियस, ये हो गई आपकी R1 और ये हो गई आपकी R2। अब ये क्या है, स्पर्श रेखा पे तो क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि किसी भी वृत्त के केंद्र से, किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी स्पर्श रेखा पर खींची गई डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें। अब देखेंगे अब इसमें हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर सी वन सी टू को मिलाएंगे पहले, सी वन सी टू को जैसे ही हमने मिलाया, सी वन सी टू को हमने जैसे ही मिलाया, देखिए सी वन सी टू के बीच की दूरी अब हमें निकाल दी, सी वन सी टू यानी कि आपकी इसकी वैल्यू आपको निकाल दी, इसका नाम दे दिया मैंने, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एम और एन, यानी कि हमें एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब क्या करेंगे, जैसा मैंने पिछली बार किया था इस क्वेश्चन में, क्या किया था हमने, जो सी वन सी टू इसके क्या पैरेलल एक लाइन निकालेंगे, सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे करना है, सेम काम यहाँ पे, जब आप क्या करेंगे सी वन सी टू के पैरेलल एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, वो निकाला हमने इधर से, इधर से ये इधर कहीं जाएगा, इधर कहीं जाएगा, फिर क्या किया मैंने इसको आपस में मिला दिया, वापस में क्या कर दिया, बता दिया। अब इसमें क्या आपकी जो सी वन सी टू है, इस पॉइंट्स को नाम दे दिया मैंने क्या, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी, तो आपकी सी वन सी टू पी एन के पैरेलल है, सी वन सी टू पी एन के पैरेलल है और उसके बराबर है। अब देखिए जो मैंने इस पी पॉइंट है ना, ये आपका इस वाले छोटे वाले सर्कल को टच नहीं कर रहा है, छोटे वाले सर्कल को ये टच नहीं कर रहा है, ये उससे थोड़ा दूर है, जब ये दूर है ये आप देखिए काफी बारीकी, शायद आपको कैमरे में ना दिख रहा हो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका पी पॉइंट है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जैसे कि आपको दिखे, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, यानी कि जो आपका पी पॉइंट है वो क्या इस छोटे वाले सर्कल में क्या टच नहीं कर रहा है, तो आपकी इस वाली लाइन यानी कि जो आपकी पी सी टू सी वन है ना, ये वाला पॉइंट सी वन और पी की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर ही होगी, आर टू के बराबर होगी कि नहीं होगी,
C1 की वैल्यू यानी कि आर सी वन पी की वैल्यू क्या आर टू के बराबर होगी, क्यों? क्योंकि हमने उसी के पैरेलल तो उसको निकाला है, उसी के पैरेलल हमने उसको क्या किया है, निकाला है। सेम सिचुएशन आप यहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, आप क्या कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, इधर देखिए ट्राइंगल एम एन पी देखिए, ट्राइंगल एम एन पी कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला, देखिए ट्राइंगल एम पी एन या एम एन पी, इस वाले ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल एम एन पी दिख रहा है जो हाईलाइट हो रहा है, ट्राइंगल एम एन पी, ट्राइंगल एम एन पी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है क्यों नहीं है, ट्राइंगल एम एन पी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि यहां पे एम का 90 डिग्री है, इन इन ट्राइंगल एम एन पी में। अब एम एन पी में क्या करेंगे, हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एम एन पी में क्या, एम पी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, एम पी आपका परपेंडिकुलर होगा, एम एन हो गया आपका बेस, और आपका पी एन क्या होगा, पी एन होगा आपका हाइपोटेनियस, यानी कि पी एन का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एम पी स्क्वायर, एम पी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ, कोई समस्या है तो आप पूछते जाइए फटाफट से। इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हम भी अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पी एन स्क्वायर बराबर आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे पी एन क्या है आपका, पी एन की वैल्यू आपकी क्या, सी वन सी टू के बराबर है, क्योंकि इसी के पैरेलल हमने पैरेलल उसके बराबर लाइन खींची थी, तो पी एन की वैल्यू क्या होगी आपकी, सी वन सी टू के बीच की डिस्टेंस हो गई, यानी कि पी एन बराबर हो गया आपका सी वन सी टू स्क्वायर, पी वन पी एन की जगह लिख देंगे हम क्या, सी वन सी टू क्या स्क्वायर। फिर एम पी क्या है आपका, एम पी आपकी पूरी डिस्टेंस है, एम पी बराबर लिख सकते हैं आप एम सी वन प्लस सी पी टू, यानी कि इधर की आप पूरी डिस्टेंस देखेंगे एम पी, ए वाली डिस्टेंस आपकी क्या है आर वन, और ए वाली डिस्टेंस है आपकी आर टू, तो एम पी बराबर क्या हो गया आपका आर वन प्लस आर टू, एम पी बराबर हो गया आपका आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। फिर एम एन, एम एन की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, जो कि आपकी कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ से जब एम एन स्क्वायर निकालेंगे आप, एम एन स्क्वायर क्या आएगा आपका, सी वन सी टू का होल स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, सी वन सी टू का होल स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, या एम एन बराबर लिख सकते हैं आप, एम एन बराबर, एम एन बराबर सी वन सी टू स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, और इसका क्या अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या अंडर रूट आ जाएगा, ये हो गया आपका क्या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये हो गई आपकी क्या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या तो इसको याद रखो आप या इसको याद रख लो, ठीक है, या तो एम एन बराबर एम एन स्क्वायर है, ये तो एम एन स्क्वायर होगा, एम एन स्क्वायर बराबर स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, एम एन स्क्वायर बराबर फिर क्या करेंगे इसका अंडर रूट दे देंगे, एम एन बराबर सी वन सी टू का होल स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो क्लास को फटाफट से लाइक कीजिए और आगे बढ़िए, आगे चलें। अब क्या है, अब है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अब देखेंगे आप उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की, उभयनिष्ठ स्पर्श जीवा की लंबाई, कॉमन कॉर्ड की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ये किस तरीके से होगी आपकी, ये आपका सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया इस तरीके से, फिर क्या करेंगे इनकी कॉमन जीवा क्या होगी, ये वाली बता देंगे आप, ये क्या है, यही तो है इनकी कॉमन कॉर्ड,
कॉमन कोड क्या है दोनों व्रतों के जीवा क्या होती है, किसी भी व्रत के दो बंधुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा होती है। तो कॉमन जीवा क्या होगी, यही जीवा इसकी होगी, इसको नाम दे दिया हमने पी, इसको नाम दे दिया क्यू। यही जीवा सीवन वाले सर्किल की होगी, इसका सेंटर सीवन है और इसका सेंटर सी टू है, यानी कि सीवन सर्किल की भी जीवा क्या है आपकी पी क्यू है और सी टू सर्किल की भी जीवा आपकी क्या है पी क्यू है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट में क्या होगा, एक सेकेंड, इसमें क्या होगा सीवन सी टू आपके इस तरीके से होगा, होती है कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड, ये हो गई आपकी कॉमन कॉर्ड। और इनकी जो सर्किल है ना, दोनों के क्या एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, दोनों सर्किल आपके एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। अब ये क्या है, इनकी कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, जब आपका क्या है, जब दो व्रत एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हों तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। इसमें तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको इससे मिला दिया, फिर को इससे मिला दिया, फिर क्या किया इससे मिला दिया। ठीक है, अब क्या है आपका, इसको नाम दे दिया मैंने P, इसको नाम दे दिया Q। तो आप देखेंगे P C1 C2 क्या है, P C1 C2 आपका एक ट्रायंगल हो गया और दोनों व्रत एक से ही हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि दोनों व्रत की रेडियस क्या है, सेम ही है, दोनों सर्किल की रेडियस सेम है, दोनों सर्किल की रेडियस सेम है, यानी यदि आपकी ए वाली आर वन है, ए वाली आपकी ए भी आर वन होगी, यानी कि दोनों ए भी आर है, ए भी आर है, दोनों की रेडियस क्या मान ली, इसकी भी आर हो गई, इसकी भी आर। जब दोनों की कॉमन टेंजेंट है और दोनों की क्या एक दूसरे के केंद्र के बीच की दूरी भी क्या होगी, आर ही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसका केंद्र से मिला रहे हैं, लेकिन इधर केंद्र से, तो इसकी पहले वाले सर्किल को देखेंगे, पहले सर्किल का यदि हम कलर चेंज कर दें तो आपको दिखेगा। देखिए जब C1 C2 आपका जो रेड वाला है, वो C1 जो आपका रेड वाला है वो अपनी परिधि को ही टच कर रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पर वो परिधि को टच कर रहा है वो क्या आपके व्हाइट वाले सर्कल का क्या सेंटर है, उनके बीच की डिस्टेंस जो रेडियस होगी उन्हीं के बीच की इक्वल डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, यानी कि तीनों की डिस्टेंस आपकी जो PC1 C2 आपका ट्रायंगल है, तीनों की डिस्टेंस क्या है आपकी आर है, और जब आर जब तीनों की डिस्टेंस सेम है, यानी कि ट्रायंगल PC2 आपका जो ट्रायंगल होगा PC1 C2 आपका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या बराबर हैं, तीनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस वाली डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट को मान लिया मैंने M, इस पॉइंट को मैंने M मान लिया, किसको PM को, और PM की लेंथ मान ली मैंने H, PM की लेंथ मान ली मैंने H। तो अब देखेंगे जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PC1 C2, इसमें क्या है H इसकी लेंथ है, H इसकी लेंथ है PM पे, तो PM क्या है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, PM समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, तो PM की वैल्यू क्या होगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मैंने क्या बताई थी, अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा, भुजा यहाँ पे क्या है आर, भुजा क्या है यहाँ पे आर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा, अंडर रूट 3/2 भुजा यहाँ पे क्या है आर है। अब ये होगी आपकी पीएम की डिस्टेंस, पीएम क्या है आधी जीवा है, और हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए, पी क्यू बराबर क्या होगा आपका, पी क्यू बराबर 2 इंटू पीएम, पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 अंडर रूट 3/2 इंटू आर, आर क्या है यहाँ पे इसकी रेडियस बोल लो या ट्राइंगल की क्या है लेंथ है, साइड है, पी क्यू की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, पी क्यू बराबर आ गया आपका अंडर रूट 3 आर। ये है आपकी क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सॉरी उभयनिष्ठ जीवा किसकी,
दो सर्किल की जब आपस में वो क्या कर रहे हो, दो सर्किल जब एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो उनके कॉमन जीवा यानी कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट 3R। इतनी बात समझ में आ गई तो फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें। अब देखिए जो मैंने बताया पहले बताया उसी से रिलेटेड है। देखिए यदि ए आपका सर्किल है, दूसरा आपका सर्किल है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब इस पे क्या, जब इसकी आप कॉमन टेंजेंट निकालेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट स्पर्श रेखा कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट ही बनेगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स तो बनने वाली नहीं है। क्या इधर देखिए, ये क्या ए इनकी उभयनिष स्पर्श रेखा है। अब आप देखेंगे कि यहां पे जो C1 है ना सेंटर और C2, अब इसकी जो रेडियस है वो R1 है और इसकी जो रेडियस है वो क्या है R2 है। और यानी कि C1 C2 के बीच की दूरी हम देखें, C1 C2 यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी देखें, ए R1 और ए R2, तो C1 C2 भी क्या आपका R1 प्लस R2, क्योंकि जब दो वृत्त आपस में स्पर्श करते हैं एक दूसरे को तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के सम के बराबर ही हो जाती है। ठीक है, तो अब जो हमारा DCT था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे क्या MN। यदि यहाँ पे MN की वैल्यू देखें जो अभी मैंने पहले देखी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है आपकी, केंद्रों के बीच की दूरी इसका स्क्वायर, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस क्या R1 माइनस R2 या इनका इनका डिफरेंस का स्क्वायर, इनके डिफरेंस का स्क्वायर। अब आप देखेंगे MN स्क्वायर बराबर, अब C1 C2 क्या है, C1 C2 तो आपका R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर है। C1 C2 को हम R1 प्लस R2 देख सकते कि नहीं देख सकते, C1 C2 को हम R1 प्लस R2 देख सकते कि नहीं देख सकते, C1 C2 को लिख दिया मैंने R1 प्लस R2 इसका होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो MN स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, MN स्क्वायर बराबर आएगा 4R1R2। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, 2AB जो बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। MN की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से MN की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2√R1R2। समझ में आ गई। अब क्या बताया मैंने, जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हो, दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है, 2√R1R2। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये थी क्या हमारी कॉमन टेंजेंट। आज हमने सिर्फ टेंजेंट के बारे में बात की, काफ़ी लंबा चैप्टर था। टेंजेंट को आप जैसे आपने आप समझ लिया, टेंजेंट से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना आप इससे बाहर नहीं जाएंगे आपके। एक बार आपने समझ लिया, एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने क्या बताया, आपकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो क्या होती है, C1 C2 यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 या उनकी रेडियस के डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका क्या अंडर रूट। ये होती है हमारी क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये होती है हमारी क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फिर TCT यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, दोनों की बीच की दूरी यानी केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस रेडियस क्या होती है, रेडियस जुड़ जाती है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इतना आपको याद रखना है। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अब देखो अब याद कैसे रख सकते हैं, सीधा रखिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या जाएगी, सर्किल की ऊपर से जाएगी यानी कि ऊपर उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, उसमें क्या करेंगे केंद्रों के बीच की दूरी को हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ आपको अंतर कहाँ पे दिख रहा है, केंद्रों के बीच की दूरी का C1 C2 का स्क्वायर यहाँ पे, C1 C2 का स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे R1 माइनस R2 है, यहाँ पे आपका R1 प्लस R2 इसका डिस्टेंस रखना है। जब डायरेक्ट लेंगे तो डिफरेंस लेंगे और जब ट्रांसवर्स लेंगे तो रेडियस का सम कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थी आज की क्लास, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये बताया मैंने क्या, जब दो वृत्त आपस में क्या एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो तो उनकी कॉमन
टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, 2 अंडर रूट आर वन प्लस आर टू। फिर उबेंडस जीवा की लंबाई, जब क्या दोनों व्रतों की, दोनों व्रत एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हों सेम रेडियस के, तो उनके बीच की जो कॉमन जीवा होती है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई, वो होती है अंडर रूट 3R। ये है आपकी TCT जो मैंने अभी आपको बताई, ये थी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि DCT। ये थी आज की क्लास, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।